Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ अ पॉलिनोमियल. रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब एक स्टूडेंट, इसमें हमने ये मान लिया कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके अल्फ़ा और बीटा जो है वो ज़ीरोज हैं. तो अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज अल्फ़ा और बीटा होंगे तो x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स. तो इसके फैक्टर जो है x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा होंगे. तो जब ये इसके फैक्टर हैं तो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख सकते हैं के x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा, जहाँ के एक कांस्टेंट है. यानी इसको हम इस तरीके से समझ सकते, जैसे सपोज करिए कि कोई भी एक इक्वेशन है, हमने उसको सॉल्व किया तो ये आया 2x प्लस 4 और ये आया सपोज करिए x प्लस 3. तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते थे, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं x प्लस 2 और x प्लस 3. तो ये जो 2 है ये k की वैल्यू है, ये इस k को रिप्रेजेंट करेगा. ये समझने के लिए हमने ये बताया कि k का मीनिंग यहाँ पर क्या है. अब देखिए इसको सॉल्व करके हम अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे स्टूडेंट्स. ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सॉल्व करें, आप फॉर्मूला भी सीख सकते हैं, लेकिन हम आपको इसको सॉल्व करके बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप इसको अपने आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं. तो ये हो गया हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के. अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा का. यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा. अब इसको हम स्टूडेंट्स ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आ गया स्टूडेंट्स. अब इसमें हम क्या करेंगे कि बोथ साइड के कोफिशेंट यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट एक्स और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर देंगे हम. ये हो जाएगा कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स. तब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वो ए है और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है वो के है. फिर इसके बाद यहाँ जो x का कोफिशेंट है वो b है और यहाँ पर जो x का कोफिशेंट है वो है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो c और यहाँ पर है k अल्फ़ा इंटू बीटा. अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि स्टूडेंट्स जो k की वैल्यू है वो कितनी आ गई, a आ गई, यानी k जो है वो a के इक्वल है. तो इस वाले इक्वेशन से हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी अपॉन माइनस के. अब इसमें हम के की वैल्यू रख देंगे, ए है तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए. तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ गई और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो सी अपॉन के है, यानी सी अपॉन ए आ गई. तो ये फार्मूला हमें स्टूडेंट यहाँ पर मिल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो ये दो फॉर्मूले हमें स्टूडेंट्स ये मिल गए. ये सॉल्व करके इस तरीके से आए कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसका यूज इसी में हमें करना है.
अब अगर स्टूडेंट्स कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी हो और अगर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता हो तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला दिया गया, ये जो फार्मूला मिला है हमें, इस वाले फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला, इसका यूज हम कर सकते हैं। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है तो यहाँ पे पुट करके हम उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर बाहर कोई नंबर आ रहा है, जैसे इसके बाहर कोई नंबर आ रहा है तो वो के की वैल्यू हो जाएगी, और अगर कुछ नहीं है तो के की वैल्यू वन होगी। तो यही स्टूडेंट्स रिलेशनशिप है, यही है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, यही चीज़ हमारी ये है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करें। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, अब इसके पहले हम स्टूडेंट फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर क्या होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा x माइनस फोर, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये भी आएगा x माइनस फोर। तो x माइनस फोर और x प्लस टू जो है वो इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स आ गई x माइनस फोर और x प्लस टू। अब ये हो जाएगा कि फॉर ज़ीरोज x माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, सो x इज इक्वल टू फोर, और x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, सो x इज इक्वल टू माइनस टू। ये आ गया स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, अब स्टूडेंट्स इसको हम कंपेयर करेंगे कंपेयर्ड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम इसको कंपेयर कर देंगे। तो जब इससे हम स्टूडेंट्स इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर ए की वैल्यू वन आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस टू आएगी और सी की वैल्यू माइनस एट आएगी। अब इसके बाद हमें रिलेशन से फाइंड करना है ज़ीरो और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो अब हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज, तो जो सम ऑफ ज़ीरोज होगा स्टूडेंट्स ये आ जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आई थी तो हमें x की दो वैल्यू मिली थी स्टूडेंट्स, एक फोर मिली थी और एक माइनस टू मिली थी। तो ये ज़ीरोज़ हैं हमारे, फोर और माइनस टू, तो ये अल्फ़ा वैल्यू हो गई और ये बीटा की वैल्यू हो गई। तो ये हो जाएगा कि फोर माइनस टू, तो ये आ गया हमारा टू आ गया स्टूडेंट्स, फोर माइनस टू जो है ये वैल्यू टू आ गई हमारी। तो अब इस टू को हम स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, चूँकि हमें इसको इसके टर्म में लिखना है, ए और बी के टर्म में इसको हमें लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको हमें किसके टर्म में लिखना है, ए और बी के टर्म में लिखना है। तो इस टू को हम क्या लिख सकते हैं, इस टू को हम लिख सकते हैं माइनस माइनस टू अपॉन ये। अब स्टूडेंट्स माइनस टू किसकी वैल्यू है, जो माइनस टू है ये देखिए माइनस टू है, ये किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे माइनस, और फिर ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन वन, क्या है ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद जो है अब हम यहाँ पर ये लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज, जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज होगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा फोर इंटू माइनस टू। तो ये आ गया हमारा माइनस एट। अब देखिए माइनस एट ये आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस एट अपॉन वन। अब माइनस एट जो है वो है कांस्टेंट टर्म, वो है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन, और ये जो वन है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये
जो पहला क्वेश्चन था ये स्टूडेंट्स हमें इस तरीके से इसको करना था। थैंक यू।